अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस यस यू कैन हियर मी। सो माय नेम इज हशाम मसूद एंड आई एम फ्रॉम आईबीए इन माय फाइनल सेमेस्टर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे विद आवर सेशन व्हिच इज अबाउट इंटेंट्स एंड यूजर इंटरेक्शंस। सो बिफोर मूविंग ऑन, we'll discuss our today's agenda. So हम आज क्या करने जा रहे हैं, हम आज देखेंगे अपने बेसिक इंटेंट्स और इमेज व्यू देखेंगे, फिर उसके साथ साथ इमेज एसेट्स, एंड हम थीम्स पे अपने थोड़ा वर्क करेंगे, और फिर हम लोग अपने इमेज व्यू को देखेंगे, फिर हम थोड़े आइकन्स को डिस्कस करेंगे, और फिर सिमिलरली हम लोग अपने इमेज एसेट को कि हाउ वी कैन सेट अप आवर आइकन्स। ओके, सो लेट मी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, अब तक हमने अपने फर्स्ट सेशन में जो है वो हमने काउंटर ऐप बनाई, फिर सेकेंड सेशन में हमने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया, और अब तक हमने ये नहीं देखा है कि हाउ वी कैन मूव फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। सो दिस इज वेयर इंटेंट्स कम इन, लाइक मैं एक बटन क्लिक करूँ और फर्स्ट एक्टिविटी से मुझे वो सेकेंड एक्टिविटी पर ले जाए। सो हाउ वी कैन अचीव दिस? ओके, so what are basically intents? So intents are basically the objects. अगर हम simple words में बात करें, so they are basically the data carrier, like जो data या कोई भी information, anything जो भी हमारे क्या कहते हैं Android Studio में होती है, वो हम from one component to another component में लेके जाएँ। Okay, again, so what are components? Components can be different activities, services, providers. जैसे हम लोग जो है वो GPS enable करते हैं, तो उसकी permission के लिए वो जो उसकी permission हम लेते हैं वो intents के जरिए होता है। Similarly, GPS के अलावा Bluetooth की permissions होती हैं, फिर हम लोग जब internet authentication, internet auth providers, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास वो intents के अंदर आती हैं। Similarly, जैसे लास्ट क्लास में उस्मान ने जो सेशन लिया था उसके अंदर उसने एंड के अंदर जो टोस्ट में हमें वैल्यूज अपडेट करके शो कराई थी, जो कि नेम हमारा लास्ट नेम था, तो वो वैल्यूज हम पिक करके अपनी दूसरी एक्टिविटीज में कैसे शो करवा सकते हैं, वो चीज़ भी इंटेंट से होती है। सो बेसिकली इन शॉर्ट, इंटेंट जो हैं वो हमारे जो है वो डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डेटा को एक कॉम्पोनेंट से दूसरे कॉम्पोनेंट्स में लेके जाते हैं। ओके, सो बट जो हमारा जो सबसे मेन काम होता है इंटेंट का, मतलब जो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि हाउ वी कैन स्विच बिटवीन द एक्टिविटीज। सो लॉन्चिंग ऑफ एक्टिविटीज में बहुत बड़ा काम होता है हमारा इस इंटेंट्स का, जो हम अभी इसको देखते हैं फॉरन से, देन वी विल प्रोसीड फर्दर विद इंटेंट्स। ओके, सो इनफ द वर्ड्स, लेट मी ओपन द एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, सो दिस इज बेसिकली आवर इनिशियल प्रोजेक्ट, जो मैंने बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ये हमारी मेन एक्टिविटी है, ये हमारी जो है वो एग्जीमल एक्टिविटी है, इसमें सिमिलर हुई हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले हम बटन ऐड करते हैं। शाम ज़ूम इन कर दो। ओके, अब सही है? ठीक है। सो यहाँ हमने जो है वो अपना एक बटन, इसको हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं टॉप टू बॉटम अगेन एंड टू स्टार्ट। तो ये हमारा जो है वो बटन हमारा ओके, सो नाउ जो है हमारा बटन जो है वो कंस्ट्रेंट हो गया। नाउ हम जो है यहाँ पे सिंपल जावा के अंदर हम लोग इसको डिक्लेयर कर देते हैं, बटन btn, एंड अगेन ये अच्छा इसका विजेट जो है हम इसके अंदर, अगर हमारे पास इस तरह का एरर है तो हम सिंपली वी कैन प्रेस ऑल्ट एंड एंटर, तो वो हमारी जो भी क्लास है वो ऊपर वो इम्पोर्ट कर देगा। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग इसको जो है वो इनिशियलाइज कर देते हैं, btn इज इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग करते हैं बटन की, फाइंड व्यू आई डी r.id.
जो हमारी बटन की आईडी है विच इज बटन, और यहाँ पे हम लोग बटन डॉट सेट ऑन लिसनर न्यू व्यू। अच्छा यहाँ तक का जो सारा काम था वो हम पिछले लास्ट दो क्लास से भी करते आ रहे हैं, सो आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये सारा काम जो मैंने जल्दी जल्दी अभी किया है ये सब हम लोग लास्ट दो क्लासेस में हम लोग अपने करते आ रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सो किसी को यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो दे कैन आस्क टिल हेयर, क्योंकि यहाँ से अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, हाउ वी कैन यूज इंटेंट्स। सो इज देयर एनी क्वेश्चंस? ओके ओके, सो लेट मी मूव विद इंटेंट। तो हम यहाँ पे जो है अपना इंटेंट क्रिएट करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं विच इज बेसिकली, और इसको हम कुछ भी अपना नेम दे देते हैं, फॉर सपोज न्यू एक्टिविटी, न्यू अंडरस्कोर एक्टिविटी, एंड हियर आई कैन गिव न्यू इंटेंट। सो बेसिकली दिस इज द कोड ऑफ हाउ वी कैन स्विच बिटवीन द एक्टिविटीज। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं, एक वो पैरामीटर जिसमें हम हैं और एक दूसरा पैरामीटर जिसमें हम जिस एक्टिविटी में हम जाएंगे। तो इस एक्टिविटी में हम हैं, सो दिस इज बेसिकली मेन एक्टिविटी, तो हम इसको कर देंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, एंड अगेन जिस एक्टिविटी में हमें जाना है उस एक्टिविटी का नाम यहाँ पे आएगा। तो वो एक्टिविटी मैंने अभी क्रिएट नहीं है, सो लेट्स क्रिएट दैट एक्टिविटी एंड देन वी कैन सी हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो फ्रॉम फाइल न्यू एंड एक्टिविटीज and then we can click empty activity, यहाँ से हमारे पास एक नई activity create हो जाएगी which we can use, so let's create the new activity, okay, and I'm giving this the name activity underscore 2, okay, so यहाँ पे इसने बता दी कि इसकी लेआउट फाइल भी साथ जनरेट कर रहे हैं हम लोग, और ये सारी इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली जो है वो हम जनरेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारी एक दूसरी एक्टिविटी जनरेट हो गई है। सो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारी इस क्लास का जो नाम है विच इज एक्टिविटी 2, अब हम उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे विच इज दिस, सो एक्टिविटी अंडरस्कोर 2 डॉट क्लास। ओके सो यहाँ पे जो है, और ये हमारे पास यहाँ पे एक आ गया है ऑटोमेटिकली पैकेज कॉन्टेक्स्ट, तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, लाइक इंटेंट्स में जो है हम लोग एक्शंस होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, डेटा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये यहाँ पे बता देगा कि भाई वी आर वर्किंग ऑन द एक्टिविटी पार्ट्स। एंड द लास्ट थिंग इज ओके, सो एंड द लास्ट थिंग इज स्टार्ट एक्टिविटी। सो एंड हियर व्हाट वी कैन डू इज, ये बेसिकली एक एक्टिविटी है, ये बेसिकली एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग अपना इंटेंट जो है, इंटेंट को ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और फिर जो है वो जैसे ये हमने न्यू एक्टिविटी का बनाया है, हमने इसको यहाँ पे पैरामीटर में दिया इसको मेथड के, एंड नाउ ये हमारा जो है इंटेंट का कोड है। दिस इज हाउ वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन कोड, वन एक्टिविटी टू अनदर, एंड अगेन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन, is the screen visible or I should zoom in? थोड़ा सा zoom in कर दो बस। ठीक है, सही। Okay, so now यहाँ पे text भी दे देते हैं। इसको constraint कर देते हैं और let's go to code, and here we can write in place of text view second activity, and I can increase the text size over here. Text size, let's do 30 dB. Okay, so this is our basically second activity and this is our main activity. So now let's run the code. ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ओके सो फार एनी क्वेश्चंस? ये सिंपल 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 चीज है। लेट्स मूव। ओके सो
यस, सो दिस इज आवर मेन एक्टिविटी जिसमें हमारा एक बटन था और इसको हमने प्रेस किया. सो अब हम अपनी मूव हो गए अपनी सेकेंड एक्टिविटी पे. सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन मूव फ्रॉम फर्स्ट एक्टिविटी टू आवर सेकेंड एक्टिविटी बाय जस्ट गिविंग इंटेंट्स. ये इसका जो है हमारे पास टू लाइनर कोड है. इसके अंदर स्टार्ट एक्टिविटी हमारे पास एक मेथड है जिसके अंदर जो है दिस बेसिकली लॉन्चेस आवर एक्टिविटी और यहाँ पे हमने इंटेंट दिया जो कि मेन एक्टिविटी टू दूसरी एक्टिविटी हमें लेके जा रहा है. ओके, सो लेट मी क्रिएट अ बटन ओवर हियर. एंड एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिनिश का कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको डिलीवर करता हूँ एक और इसके बाद. सो लेट मी क्रिएट अ बटन ओवर हियर. ओके, तो ये बटन कंस्ट्रेंट हो गया. अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैं एक थर्ड एक्टिविटी बना रहा हूँ और उसको हम कनेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे ऑन बैक प्रेस और फिनिश मेथड जो होते हैं जो हम बैक प्रेस करते हुए एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट होते हैं उस पर इसका क्या असर पड़ता है और क्या ये एक्टिविटी बैकग्राउंड पर चल रही है या नहीं चल रही है. ये सारी चीज़ें मैं रिलेट करता हूँ आफ्टर क्रिएटिंग आवर थर्ड एक्टिविटी. ओके, सो दिस इज माई बटन एंड दिस इज माई एक्टिविटी टू. ओके, सो क्योंकि सेम काम है सो I'm just copying the code. Because here also I'm making one button, and here okay. So this is not our main activity. This is our second activity. So I'll be changing the name over here, activity two, and the ID of my button is basically button two. So I'll change this button two, and. And now I want to move towards activity three, which is and activity three जो कि नहीं बनी हुई इसमें मुझे भी इसने एरर दिया है. सो लेट्स क्रिएट एन थर्ड एक्टिविटी. एक्टिविटी आई टेल यू वाई आई एम डूइंग दिस. अभी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने के लिए आई एम रिपीटिंग दिस स्टफ. ओके, सो एक्टिविटी थ्री. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो गया है और अब एक्टिविटी थ्री के अंदर हम सिंपल एक डिजाइन में एक टेक्स्ट को डाल देते हैं. यस, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं टॉप बॉटम एंड एंड स्टार्ट. ये हमारे पास कंस्ट्रेंट हो गया. एंड नाउ आई कैन जस्ट गिव द टेक्स्ट साइज अगेन विच इज अगेन 30 dp. एंड नाउ आई कैन गिव दिस अ थर्ड एक्टिविटी. ओके, सो फार यहाँ पे हमने अपनी मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी और सेकेंड एक्टिविटी से थर्ड एक्टिविटी तीन एक्टिविटीज हमने अब तक क्रिएट कर ली हैं और हमने जो है यहाँ पर एक अच्छा तो अब जो कॉन्सेप्ट है विच आई एम अबाउट टू गिव यू गाइस इसको पहले रन करते हैं. सो अब हमारे पास इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम एक्टिविटी वन एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं दूसरे से थर्ड एक्टिविटी में जा रहे हैं तो हम इसके अंदर जब बैक प्रेस करेंगे तो वो बैक प्रेस जो है वो एक्टिविटी बाय एक्टिविटी होता है. जैसे हमारे पास ये जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास एंड्रॉयड में बटन होता है बैक प्रेस का तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अब इधर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज स्टैक. ओके, सो लेट मी शो यू गाइस. ओके, सो बटन सेकंड एक्टिविटी एंड देन अगेन थर्ड एक्टिविटी और अब जब मैं बैक प्रेस कर रहा हूँ तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड एक्टिविटी और अब जब मैं वापस से बैक कर रहा हूँ तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई फर्स्ट एक्टिविटी. सो इसके अंदर बेसिकली आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट लोडिंग. यस, तो हमारे पास जो बेसिकली इंटेंट्स का कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है बेसिकली स्टैक. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है जो हमारी मेन एक्टिविटी है दिस इज इन द बॉटम एंड देन आवर फर्स्ट एक्टिविटी इज उसके ऊपर और जो हमारी
सेकंड जो थर्ड एक्टिविटी है वो उसके ऊपर। तो जैसे जैसे हम एक्टिविटीज बनाते रहते हैं, हम कनेक्ट करते रहते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो एक के बाद एक ऊपर आके कनेक्ट होती रहती है, सही है। सो और जो स्टैक का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली स्टैक, व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि लीफो पे चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो चीज लास्ट में आती है वो सबसे पहले जाती है। ऑब्वियसली अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारी जो सबसे बॉटम पे एक्टिविटी, दैट इज अ मेन एक्टिविटी, फिर हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे गए, फिर हम लोग थर्ड पे गए, तो वो हमारी स्टैक में ऐड होती गई और हम बैक प्रेस करते रहेंगे और वो हमारी एक्टिविटी जो है हम पीछे खुद ही पीछे पीछे आते रहेंगे और स्टैक कम होता रहेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके अगेन, अच्छा अब व्हाट इफ कि मेरी एप्लीकेशन में 6 to 7 एक्टिविटीज हैं, एक यूजर फ्लो है और एक 6 to 7 एक्टिविटी है। जैसे मैं एक मेन पेज से अपने एक जाता हूँ, कुछ सेलेक्ट करता हूँ, फिर फॉर्म पे जाता हूँ, फॉर्म फिल करता हूँ और फिर वहाँ पे जो है मेरा एक टास्क सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब जब मैं बैक प्रेस करूँ तो बाय डिफॉल्ट मतलब जो यूजर्स हैं वो उनको दे प्रेस द बैक बटन, सही है। तो वो बैक बटन प्रेस करेंगे, फिर वो फॉर्म पे लेके जाएगा, फिर वो उस पर लेके जाएगा, तो 6-7 बैक बटन करने पे फिर उसके बाद वो मेन एक्टिविटी पे लेके आएगा। सो दैट इज नॉट राइट। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट अगेन फॉर दैट वॉट वी कैन डू इज वी कैन यूज द फिनिश मैथड। सो दिस इज वॉट द फिनिश मैथड डज। ओके सो ये हमने अभी जो एग्जाम्पल देखी, इसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 एक्टिविटीज हैं, ए बी सी डी। ओके सो हमने यहाँ पे स्टार्ट की एक एक्टिविटी, फिर हम लोग गए बी पे, फिर हमने फिनिश मेथड अप्लाई किया, जो कि मैं भी करके दिखाऊंगा। हमने फिनिश मेथड अप्लाई किया, फिर हम सी पे गए, फिर हम डी पे गए। अब हम लोग जब डी से बैक पे आएंगे तो वो सी पे लेके जाएगा, और सी से बैक पे लेके आएंगे तो वो बी पे लेके आएगा। लेकिन जब हम बी पे बैक प्रेस करेंगे तो वो हमें ए एक्टिविटी जो है वो स्किप कर देगा और वो डायरेक्ट हमें जो है वो मेन फर्स्ट एक्टिविटी पे ले जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फिनिश अप्लाई कर दिया है। और जब हमने फिनिश अप्लाई किया है, सो बेसिकली वो क्या होता है कि वो एक्टिविटी को खत्म कर देता है, बिल्कुल सही है। तो जैसे अगर हम फिनिश नहीं लगाएंगे तो हमारी बैकग्राउंड पे रन हो रही होंगी एक्टिविटी सारी जिसमें हमने फिनिश नहीं लगाया, और हमने फिनिश लगाया वो एक्टिविटी हमारे पास वहाँ पे फिनिश हो जाएगी। और इसका एक फायदा यह है कि ये मेमोरी यूज होती है। ऑब्वियसली अगर आपकी स्टैक बढ़ता जाएगा तो आपकी मेमोरी ज्यादा एलोकेट होगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर परफॉर्मेंस इश्यूज और फिर ये सारी चीजें, तो इट्स बेटर टू यूज फिनिश व्हेन यू आर यूजिंग इंटेंट्स एंड व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। बट अगेन आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट पर, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे फिनिश नहीं करनी, मुझे इस एक्टिविटी के बाद बैक पे मुझे इसी एक्टिविटी पे लेके जाना है, तो दैट इज फाइन। ओके सो इट इज मतलब अप्रोच, आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आपकी ऐप किस टाइप की है, सही। तो हम अब इसके अंदर फिनिश का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम कहाँ पे फिनिश लगाएंगे। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? आई एम आल्सो सीइंग दिस। शाम एक बार फिर से एक्टिविटी क्रिएट करने का प्रोसेस थोड़ा स्लोली समझा दो, और कोड भी जो तुमने इंटेंट वाली दो लाइंस लिखी है वो क्या करेंगे वो भी समझा दो। अच्छा ठीक है। Hasham, a couple of people are saying that you're going a bit fast. Okay. So, I thought I'd let you know. Okay. वापस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मेरी स्पीड थोड़ी तेज है वैसे। अच्छा तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना, हमने सिंपल एक जो है वो एक्टिविटी मेन बनाई, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल कोड, इसके अंदर हमने बटन था, हमने यहाँ पे अपना बटन फुल इनिशलाइज किया, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर वगैरह सब हमने लगाया, जो कि हम लोग लास्ट 2 क्लास में भी कर रहे हैं। अच्छा अब इंटेंट जो हमने यहाँ पे लगाया, बेसिकली यहाँ पे हमने ये इंटेंट यहाँ पे यूज़ किया है, हमने यहाँ पे ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट इंटेंट का हमने बनाया, सही है। इसको हमने एक नेम दिया, इसको हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, दिस इज, मैंने इसको न्यू एक्टिविटी का नेम दे दिया, सही है, आप कुछ भी नेम दे दें इसको, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक पैरामीटर ये होता है विच इज जो हम अपनी करंट क्लास पे हैं वो, और जो दूसरा हमारे पास जो पैरामीटर होता है वो होता है कि हमें जिस क्लास पर जाना है। ओके सो दिस इज बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिखा है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो क्लास का वेरिएबल जो है, जो क्लास का इंस्टेंस जो है वो इन्वोक करता है। तो यहाँ पे हमने दिया है मेन एक्टिविटी जो कि हमारी क्लास का नाम है, सो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और मुझे जिस क्लास पर जाना है वो एक्टिविटी। सो वो क्या है, एक्टिविटी डॉट टू डॉट क्लास जो मैंने क्रिएट किया है। तो ये चीज हमें जो है वो मेन एक्टिविटी से एक्टिविटी 2 पे लेके जाएगी। एंड दिस ये जो कोड है स्टार्ट एक्टिविटी, दिस इज बेसिकली अ मेथड विच क्रिएट्स अ न्यू क्लास जो हमारी एक नई एक्टिविटी लॉन्च करता है। तो हमने इस इंटेंट को पास करा दिया अपने इस मेथड के अंदर, तो फिर अब हमारे पास एक नई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी इस बटन के क्लिक करने पे। ओके तो इज दिस थिंग क्लियर?
हशाम एक्टिविटी पेजेस होते हैं वो ऐप में? एग्जैक्टली पेजेस होते हैं जो, जैसे हमारा पेज नंबर वन, जैसे ये है, दिस इज आवर फर्स्ट एक्टिविटी, ये हमारा पेज नंबर वन है, दिस इज आवर सेकंड एक्टिविटी, ये हमारा पेज नंबर टू है। तो बेसिकली एंड्रॉयड की लैंग्वेज में पेजेस को एक्टिविटी कहते हैं। ये तो ये और फिर जो है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए यूज होता है? जी बेसिकली जो एक्टिविटी का टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली द पेज, नथिंग एल्स। सही है, तो ये एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए ये चीज इंटेंट हमारे पास यूज होता है। ठीक, सो इज दिस थिंग क्लियर? ओके, Can you also repeat how to create a new activity? श्योर। फाइल, न्यू। ओके, सो हम फाइल पे जाएंगे, हम न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्टिविटी के अंदर। सो जैसे हम लोग अपने जो एक नई हम अपना जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। सो बेसिक एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, सेटिंग्स की एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे जो है वो अपनी एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ से क्लिक करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दे देगा कि दिस इज योर एक्टिविटी नेम, दिस इज, इसने बोला है कि जनरेट अ लेआउट फाइल। दिस बेसिकली मीन्स कि आपकी एग्जामिल की फाइल बनानी है इस एक्टिविटी के साथ या नहीं बनानी। तो हमने टिक किया हुआ, तो हमें एग्जामिल की फाइल चाहिए ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसका पैकेज नेम एक्सेट्रा, सोर्स जावा की लैंग्वेज, और फिर हम इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे, तो हमारी वो एक नई एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ एक्टिविटी, एंड दिस इज हाउ वी कैन मूव बिटवीन अवर टू एक्टिविटीज। सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? और हशाम, ये जो कोड है इंटेंट वाला, उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर ब्रैकेट के अंदर है वो जिस क्लास में आप है वही है ना? एंड देन जी हाँ, मेन एक्टिविटी, ये हमारी मेन एक्टिविटी है जिस पेज पे मैं हूँ। सो मेरा फर्स्ट एक्टिविटी का नेम है दिस इज मेन एक्टिविटी डॉट जावा, दिस इज माय मेन क्लास, एंड ये मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और जिस एक्टिविटी में मुझे जाना है दिस इज एक्टिविटी टू डॉट क्लास। सो दिस इज बेसिकली दिस इज द एक्टिविटी टू जिसकी क्लास में मैं अभी गया। सही है, सो बेसिकली ये दो पैरामीटर्स हैं, जिस जिस करंट पेज पे मैं हूँ वो, और जिस पे मैं जा रहा हूँ वो। ओके सही है, सो शुड आई मूव ऑन? ओके यस यस हाँ आगे बढ़ो। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा तेज हो गया। तो अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, अगेन जो है हम फिनिश का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज थे एक्टिविटी के उसमें। तो फिनिश का कॉन्सेप्ट वही एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास, जैसे भी मैंने तीन एक्टिविटी बनाई, एक्टिविटी वन, एक्टिविटी टू एंड एक्टिविटी थ्री। सही है, अब हम बैक प्रेस जब करते हैं तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है स्टैक का, ये वापस से रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। जो हमारी पहली एक्टिविटी, जो हमारा पहला पेज है, सही है, वो बिल्कुल बॉटम में आएगा स्टैक के, क्योंकि वो पहली चीज़ है। सही है, सो सबसे पहले, फिर उसके बाद जो हम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे वो उस स्टैक के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली दिस इज हाउ स्टैक वर्क्स। और फिर जब तीसरी एक्टिविटी हम क्रिएट करेंगे तो वो उस स्टैक के ऊपर आ जाएगी। सो इस तरह जो है वो एक हमारा स्टैक बिल्डअप होता रहता है एक्टिविटीज का, जब हम लोग नई नई एक्टिविटीज क्रिएट करते रहते हैं। अगेन, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम, अब हम बैक प्रेस करते हैं, जो कि बैक प्रेस जो हमारे एंड्रॉयड के अंदर हम लोग जो बटन होता है बैक प्रेस का, एक एक्टिविटी से जब हम लोग बैक प्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि जो सबसे टॉप पे आपकी एक्टिविटी होती है, टॉप लेवल पे जो आपकी एक्टिविटी है वो उस पे लेके जाता है। अब जैसे मैं अपनी सेकंड एक्टिविटी पे हूँ और मैंने वहां पे बटन प्रेस करके मैं थर्ड पे गया हूँ, तो मैं भी थर्ड पे हूँ, और जो नेक्स्ट जो मेरी सबसे टॉप एक्टिविटी है दैट इज सेकंड। सही है, तो जो सबसे लेटेस्ट एक्टिविटी होगी ऑन बैक प्रेस पे वो मुझे सेकंड एक्टिविटी पे लेके जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब मैं उधर सेकंड पे बैक करूंगा, क्योंकि और जो है फिर वो बैक प्रेस जो है वो एक्टिविटी फिनिश भी बाय डिफॉल्ट फिनिश कर देता है, तो वो एक्टिविटी हमारी फिनिश हो जाएगी, और फिर जो है सेकंड वाली मोस्ट टॉप रह जाएगी, और सेकंड में जब मैं बैक प्रेस करूंगा तो वो मेन एक्टिविटी पे चला जाएगा। सो इस तरह हमारा स्टैक बढ़ता भी रहता है, और अगर हम बैक प्रेस करें तो बैक प्रेस करते करते हमारा सारा स्टैक कम भी होता रहता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक एंड बैक प्रेसिंग। सही है, सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ एक चीज क्लियर कर दो, ये जो तुमने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया है इट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट यस, लीफो राइट? स्टैक, यस स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर तो होता है हम जो जावा में यूज करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट अगर पेज एक्टिविटी का होगा वो पहले आप उससे पीछे जाओगे राइट? उससे पीछे जाएंगे एग्जैक्टली, क्योंकि जिस जिस पेज पे हम होंगे वहां से हम बैक प्रेस करेंगे तो वो हमें उससे प्रीवियस एक्टिविटी पे लेके चला जाएगा।
दिस इज सिंपल ये चीज कि मैं अभी तक अपनी थर्ड एक्टिविटी पे हूँ, ये मेरी सबसे टॉप पे है ये एक्टिविटी, सही है, क्योंकि मैं पहले मेन एक्टिविटी से फर्स्ट पे आया, सेकंड पे आया, सेकंड पे मेरा जो है वो स्टैक यहाँ पे पहुँच गया, फिर जब मैं थर्ड एक्टिविटी पे आया तो मेरा ये स्टैक है ये थर्ड तक पहुँच गया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं अपना बैक प्रेस करूँ तो ये मुझे अपनी सेकंड एक्टिविटी पे लेके जाएगा और वो एक्टिविटी फिनिश हो गई है, क्योंकि जो बैक प्रेस मेथड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिविटीज को फिनिश भी कर देता है। और फिर अब मैं आगे सेकंड एक्टिविटी पे हूँ, तो मैं अभी अपनी सेकंड एक्टिविटी पे हूँ और मैं अपना यहाँ से अगर मैं अपना बैक प्रेस करूंगा तो मैं आगे अपनी फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक वर्क्स। आप मूव ऑन, आप आगे बढ़ते रहो, आपका स्टैक बढ़ता रहेगा, और आप बैक प्रेस करते रहो, आपका स्टैक कम होता रहेगा। सो दिस इज हाउ एक्टिविटी द ट्रांजिशन ऑफ पेजेस वर्क। सो इज दिस थिंग क्लियर? शाम भाई पूछ रहा है, इट मींस फिनिश विल ओनली स्किप वन एक्टिविटी। Exactly, finish will skip only one activity. एक एक्टिविटी जो है वो हमारी स्किप हो जाएगी। तो एग्जैक्टली अब मैं जो फिनिश के कॉन्सेप्ट पे मैं आ रहा हूँ वो ये कॉन्सेप्ट है कि अब मैं मेरे पास अपनी चार एक्टिविटीज हैं, सही है। अब मैं एक एक्टिविटी से अपनी दूसरी एक्टिविटी पे जा रहा हूँ और फिर दूसरे से तीसरी पे जा रहा हूँ और तीसरी से चौथी पे जा रहा हूँ। अगर ये पिक्चर आप देखें, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, तो ये पिक्चर जो है इसमें दिखाया इसने कि स्टार्ट ए पे आया मैं और स्टार्ट बी पे मैं गया और मैंने फिनिश कर दी अपनी वो एक्टिविटी, तो वो मेरी एक्टिविटी स्टैक से हट गई है, अब वो मेरी स्टैक में नहीं है, मैंने क्योंकि फिनिश कॉल कर दिया है वहाँ पे, सही है। तो अब मेरी स्टैक में क्या है, जो मेरी मेन एक्टिविटी है, और जब मैं बी पे गया हूँ तो बी, तो ए एक्टिविटी स्किप हो गई, सही है, क्योंकि वो मैंने फिनिश लगा दिया। फिनिश जो है वो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल खत्म कर देता है, मतलब अब वो प्रोसेस में नहीं है, बैकग्राउंड में, सही है। सो ये फिनिश का एक फायदा होता है जो कि मेमोरी सेव होती है उससे। फिर मैं बी से सी पे गया, ठीक है, और सी से डी पे गया, तो अब हमारे स्टैक क्या है, हमारे स्टैक में ए एक्टिविटी नहीं है क्योंकि वो हमने फिनिश कर दी। सो द बॉटम वन जो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम, एंड देन बी सी एंड डी, ए नहीं है क्योंकि ए फिनिश हो गई। तो अब हम जब बैक प्रेस करेंगे तो उधर उन्होंने यही बताया हुआ है कि अगर मैं यहाँ से डी से बैक प्रेस करूँ तो मैं सी पे आऊंगा, और जब मैं सी से बैक प्रेस करूँ तो मैं बी पे आऊंगा। अब मेरे स्टैक में क्योंकि ए है नहीं, मैंने ए अपनी फिनिश कर दी, तो मैं बी से डायरेक्ट अपनी बॉटम एक्टिविटी विच इज माई मेन एक्टिविटी वहां आऊंगा। So this is the concept of finish. तो ये concept समझ आया है, मैं वापस repeat करूँ उसको? हाँ ये समझ आ गया है बशाम, move on. ठीक है, सही है, अच्छा ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, अब मेरी ये मेन एक्टिविटी और मेरी ये थर्ड एक्टिविटी है। अभी हमारी एक्टिविटी कैसे वर्क कर रही है, ये हम बटन पे हैं, ये मैं सेकंड एक्टिविटी पे गया, ये मैं थर्ड एक्टिविटी पे गया, अब मैंने बैक किया, सेकंड पे आया, बैक किया, फर्स्ट पे आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्टिविटी टू पे फिनिश कॉल कर रहा हूँ। तो फिनिश कुछ नहीं करना, जहाँ पे हम अपनी स्टार्ट एक्टिविटी कर रहे हैं वहीं पे उसके नीचे हम फिनिश कॉल कर देंगे, दिस इज दिस, बस ये हमने अप्लाई किया फिनिश। और ये एक्टिविटी अब जब हम लोग इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें नई एक्टिविटी पे लेके तो जाएगा और वो फिनिश भी कर देगा ये एक्टिविटी, तो ये हमारी एक्टिविटी स्टैक में नहीं होगी। सो ये कॉन्सेप्ट है फिनिश का, विच इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप फिनिश नहीं करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज इतनी बढ़ती रहेंगी, वो मेमोरी रहता रहेगा, फिर परफॉर्मेंस इशू एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे इशूज आएंगे, सही है। नाउ ये मैं फर्स्ट एक्टिविटी में अपनी, मैं सेकंड एक्टिविटी पे गया, यहाँ पे मैंने इस एक्टिविटी पे फिनिश कॉल हुआ हुआ है। अब मैं बटन पे गया, अपने बटन पे थर्ड एक्टिविटी, अब जब मैं बैक प्रेस करूंगा सो इट विल टेक मी टू माय फर्स्ट एक्टिविटी, सो सेकंड एक्टिविटी स्किप हो गई। सो ये एक कॉन्सेप्ट है फिनिश का, विच इज अ रिलेटिवली स्मॉलर कॉन्सेप्ट, लेकिन देना बहुत जरूरी था इसको। सो इज दिस थिंग क्लियर अप टिल नाउ, सो फार सो गुड, कोई क्वेश्चंस? Prashant, someone is asking, data will remain in the stack with activity? डेटा तो मतलब ऑब्वियसली डेटा तो वहीं रहेगा, लेकिन फिनिश मेथड बेसिकली क्या करता है कि अगर आप चले गए एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, सही है, तो वो हम डेटा तो आगे पास करा ही रहेंगे ऑब्वियसली, सही है, कुछ ना कुछ हम डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे या हम कुछ इंटेंट यूज़ कर रहे होंगे टू पास ऑन द इन्फॉर्मेशन, सही है। लेकिन जब हम लोग अपना फिनिश ऑल करेंगे तो वो बैकग्राउंड पे फिनिश अप्लाई करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो एक्टिविटी जिसका अब कोई काम नहीं है लेकिन वो फिर भी बैकग्राउंड पे चल रही है, तो वो हमारे पास ये सारी सेव रहेंगी ऑब्वियसली, वो कुछ नहीं जाएगा, बस वो है वो हमारी एक्टिविटी फिनिश कर देगा, सही है। सो दिस इज जस्ट टू सेव द मेमोरी अगेन, और ये इसका जो है वो कॉन्सेप्ट होता है फिनिश का। ठीक है ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सही है, लेट्स मूव ऑन, अच्छा क्लियर नाउ, ओके वर्ड, ओके अच्छा। अब
जो बैक प्रेस की हमने बात की, तो बाय डिफॉल्ट बैक प्रेस जो होता है वो तो हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे लेके चले जाता है, सही है, और फिनिश भी कर देता है एक्टिविटी, सही है। लेकिन वॉट इफ मुझे अपने बैक बटन पे अपनी एक्टिविटी पीछे करनी नहीं है, सही है, मुझे बैक बटन पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, या मुझे जो है वो एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना है कि आर यू श्योर यू वांट टू फिनिश द एक्टिविटी, या मुझे कुछ टोस्ट जनरेट करना है, सो हाउ कैन वी डू दैट। तो बाय डिफॉल्ट तो बैक प्रेस हमें पीछे लेके जाएगा, लेकिन हाउ वी कैन चेंज दैट, लेट मी टेल यू गाइस। ओके, सो वी आर हियर ऑन आवर थर्ड एक्टिविटी, लेट्स डू दिस ओवर हियर, एंड आफ्टर द ऑन क्रिएट बंडल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेथड, जो कि यहाँ पे अगर आप सिर्फ अपना ऑन बैक प्रेस लिखें तो वो खुद ही एक मेथड जनरेट कर देगा हमें, इसको हम डिलीट कर देंगे। और मैं अब चाह रहा हूँ कि भाई ये बैक प्रेस जो है मुझे वो एक्टिविटी पीछे नहीं लेके जाना चाह रहा, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ उसकी डिफॉल्ट सेटिंग। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं मुझे जो भी अपनी लॉजिक, जो भी अपनी कोडिंग, जो भी अपनी थिंकिंग लगानी है वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ टू चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ डिफॉल्ट बैक प्रेस। तो अब मुझे यहाँ पे टोस्ट लगाना है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पे मैंने टोस्ट क्रिएट किया, सही है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा ये टोस्ट, ये लास्ट क्लास मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे, ये टोस्ट लेंथ टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट शो, सही है। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट या एक टोस्ट जनरेट करा देता हूँ कि आर यू श्योर यू वांट टू लीव द एक्टिविटी। ओके, सो ये जस्ट सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो है जब तक हमारी ये इंस्टॉल हो गई एक्टिविटी, अब मैं गया वन पे अपनी फर्स्ट एक्टिविटी से, मैं गया अपनी सेकंड एक्टिविटी पे, अब मैं गया अपनी थर्ड एक्टिविटी पे, एंड नाउ मैंने बैक प्रेस, तो ये एक टोस्ट जनरेट हुआ, आर यू श्योर यू वांट टू लीव द एक्टिविटी, आर यू श्योर यू वांट टू लीव द एक्टिविटी, आर यू श्योर यू वांट टू लीव द एक्टिविटी। तो दिस इज़ हाउ जो है हम अपने इसको बैक प्रेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगेन डिफरेंट 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 मेथड, डिफरेंट लॉजिक हम यहाँ पे जो है वो फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि टोस के बाद जो है वो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी को लेके जाओ, या टोस के बाद हमें ये चीज़ शो करो, वो आपके ऊपर है कि वो आप क्या शो करना चाहें। सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ द बैक प्रेस मेथड? शुड आई मूव ऑन? यस सर। ओके, सो नाउ लेट मी डिज़ाइन, नाउ एक जो है वो फ्रंट एंड व्यू एक डिज़ाइन कर लेते हैं इमेज व्यू को लेके। ओके, सो अब जैसे हमारे पास बटन है वैसे हमारे पास एडिट टेक्स्ट भी हैं, हमारे पास टेक्स्ट व्यूज भी हैं, और हमारे पास इमेज व्यू भी है सिमिलर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल इमेज व्यू को मैं यहाँ पे लेकर आया। ओके, ठीक है, सो उसको इमेज व्यू दे दिया, और मैंने इसको जो है अगेन यू कैन वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट, वहाँ से भी आप इसको लेके जा सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको कोड कर सकते हैं। तो इसकी मैंने जो है वो मुझे इसकी जो विड्थ है वो मुझे देनी है अपनी पूरी मैच पेरेंट की तरह, और पूरे मैच पेरेंट करवाना है, और जो मुझे अपनी हाइट देनी है वो मुझे देनी है फॉर इंस्टेंस 120 डीपी, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, एंड ये हमारे पास जो है वो इमेज व्यू एक बन गई है, सही है। अच्छा, अब इसको हम सेट कर देते हैं इसके कंस्ट्रेंट्स वगैरह। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज व्यू है, अच्छा यू कैन ऑल्सो चेंज द सेटिंग ऑफ दिस डिवाइस। मेरी जो वर्चुअल डिवाइस दैट इज नेक्सस 6, और यहाँ पे पिक्सल हुआ है, तो थोड़ी बहुत ओरिएंटेशन में चेंजेस हो सकती हैं। सो यू कैन चेंज दिस टू, मतलब जो भी आपने मिलीटर डाउनलोड किया हुआ है उसके हिसाब से यू कैन चेंज, और वो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेट्स मेक दिस 200 पिक्सल्स। ओके, और इसको हम कर देते हैं कंस्ट्रेंट। तो मैंने इसको टॉप से, इसको लेफ्ट से, और इसको मैंने राइट से इसको कंस्ट्रेंट कर दिया। ठीक है, और फिर अब हमारे पास यहाँ पे अब हाउ वी कैन इम्पोर्ट आर इमेज, सही है। सो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है ऑन माय डेस्कटॉप, इसको मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी किया, और मैंने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में
यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर होता है RES के अंदर, रिसोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है ड्रॉएबल फोल्डर। तो जो भी हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी है, जैसे इमेजेस हो गई या कुछ भी हो गया, सो वो हम सारी चीज़ें ला के यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करते हैं, सही है। सो अब मैंने क्या किया, मैंने वो इमेज मेरी कॉपी थी, मैंने यहाँ पे लाके उसको सीधा सीधा पेस्ट किया और इसने मुझे बोल दिया ड्रॉएबल ड्रॉएबल में आप कर देंगे, इसको सेव, और इसको मैंने दे दिया इमेज डॉट जेपीजी, दैट्स फाइन। और यहाँ पे मेरे पास वो इमेज आ गई अपने ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। ओके, सो हाउ आई कैन मूव दिस इमेज, ये ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर मेरे पास एक इमेज है जो कि मैंने डेस्कटॉप से कॉपी करके अपने ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर पेस्ट किया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आ गई इमेज। अब हाउ वी कैन ट्रांसफर और दिस इमेज ओवर हेयर इज, सो यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बैकग्राउंड का, जैसे लेआउट हो गया, हमारे पास टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट साइज हो गया, यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक आता है बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट। और उस बैकग्राउंड के अंदर मैं सीधा सीधा जो है वो अपने फोल्डर का नाम दे सकता हूँ, विच इज माई ड्रॉएबल फोल्डर। और उसके बाद वॉट आई कैन डू इज, ड्रॉएबल के बाद जिस भी जो भी आपकी इमेज का नाम है या जितने भी आपके वो बने हुए हैं फोल्डर्स 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 और फिर जहाँ आपकी इमेज है, सो वैसे तो ड्रॉएबल के अंदर ही होती है, तो ड्रॉएबल स्लैश और आपकी जो इमेज का नाम है विच इज मुझे यहाँ पे शो हो रहा है इमेज। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इमेज अपनी जो है वो इम्पोर्ट कर ली और ये मेरे पास इमेज आ गई यहाँ पे। और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ अपनी एक्टिविटी को, सो लेट्स सी, सो ये यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह हम लोग अपनी इमेज को किस तरह सेट कर रहे हैं, किस तरह हमने अपना इमेज यू सेट किया, किस तरह हमने अपनी इमेज ली और किस तरह जो है वो हमने इसको अपने बैकग्राउंड इमेज पे डाला। ओके कूल, सो ठीक है, थे Hisham, can you repeat the concept of toast that you were giving? Achha, the concept of toast, okay. Okay, so yahan tha. So basically toast ka jo hamare paas concept hai, wo ye hai ki aksar aap log jab application apni open karte hain, aapka wifi off hota hai, to aapke paas niche ek text generate hua aata hai ki no internet connection, sahi hai? Ya aap कुछ भी कहीं कहीं जाते हैं और कुछ एक एरर प्रॉम्प्ट आपके पास एक जनरेट होता है बेसिकली कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस और दैट, कुछ भी एप्लीकेशन के अंदर जो है, तो वो एक छोटा सा मैसेज जनरेट होता है। सो दैट मैसेज इज बेसिकली आर टोस्ट। सो वो टोस्ट जो है, दिस इज जस्ट बेसिकली जो है वो हमें अगर कोई अपनी जो मैसेज है हमारा वो हमें डिस्प्ले कराना हो किसी भी सेंस के अंदर, तो वो हम टोस्ट के जरिए डिस्प्ले करा सकते हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेज। हाउ वी कैन make this toast, I will tell you guys again. So I can do this toast, toast, and ye dusra wala hai, create a new toast. I'll press this, okay? Aur ye hamare paas pura khud hi ek by default toast ban ke aa jayega, theek hai? Aur yahi context isne de diya ki this, matlab ye hamari jo activity ho gayi, aur phir uske baad hamara jo hai toast.length short matlab एक कम शॉर्ट के लिए, मतलब एक कम टाइम पीरियड के लिए वो अपेयर होगा। इसको हम लेंथ लॉन्ग भी कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। और फिर इसके अंदर जो हमें अपना मैसेज देना है वो, सो फॉर इंस्टेंस मेरा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, किसी का इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा और वो ऐप को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पास मैसेज आए कि नो इंटरनेट कनेक्शन। सो वो मैसेज उसके पास सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सो दैट वॉज जस्ट, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टोस्ट का, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ खैर नहीं है। सो अगर आई होप सो ये वापस से क्लियर हो गया हो, मैंने बता दिया है। हाँ शाम क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है। ओके सो सही है, तो हम थे अपनी इमेज व्यू पे, हमने अपना एक इमेज व्यू बना लिया और हमने जो है इसको कंस्ट्रेंट दे दिया, हमने इसको एक हाइट दे दी अपनी। और अब हम अगर अपने एक्टिविटी पे जाएं,
तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज जो है ये इम्पोर्ट हो गई है, सही है। सिंस ये दोनों कलर थोड़े सेम है तो इसलिए ये थोड़ा मैं इसको भी सही करता हूँ थोड़ी देर में। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक इमेज शो हो गई है, दिस इज हाउ वी कैन इम्पोर्ट कोई भी इमेज, जहाँ पे जो अभी मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को उसके अंदर आप लोगों को बेसिकली अपनी ऐप बनानी होगी जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आएगी, सही है। सो ये जो है हमने ये मैंने एक सिंपल सी एक इमेज इम्पोर्ट कर दी। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कुछ रिपीट करूँ या आगे बढ़ूँ? हिशाम, किसी ने पूछा हुआ था पहले कि अगर हम ऑन बैक प्रेस को ये नहीं सेट करें कि वो एक्टिविटी टू पे जाए या किसी और एक्टिविटी पे जाए, तो वो हर बार प्रेस करने पे टोस्ट ही शो करेगा या बैक नहीं जाएगा? टॉकिंग अबाउट दिस यहाँ पे, हाँ मतलब नहीं, वो हमने अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरराइड, मतलब जो डिफॉल्ट चीज थी उसको हमने ओवरराइड कर दिया, मतलब वो चीज अब जो इसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी थी वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी, अब वो चीज़ खत्म हो गई जो इसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी थी। अब हमने इसको बता दिया कि भाई अब आपको इस बैक प्रेस पे आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है, सही है। तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब वो सिर्फ टोस्ट जनरेट करेगा, वो बैक भी नहीं जाएगा। सो दिस इज बेसिकली आपने उसकी डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर दी और अब जो आप बोलोगे वो वैसा करेगा। सो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। सही है, और ये ओवरराइड की वजह से हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है एक इमेज बन के हमारे पास सामने आ गई है, ठीक है। अच्छा अब सेकंड चीज जाने से पहले मैं थोड़ा एक कलर कोड्स है मेरे पास, मैं उसको जरा ले लूँ ताकि ये बेसिकली कलर कोड्स हैं, हम एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास कलर कोड्स होते हैं टू डिफाइन द कलर्स डिफरेंट कलर्स के, तो ये कलर कोड मैंने सेव किए हुए थे। अच्छा वन मोर थिंग बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कि हम अपनी एक्टिविटी का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, और हमने अपनी मतलब अपनी जो हमारी एक्टिविटी का बैकग्राउंड है हाउ वी कैन चेंज दैट, उसमें हम कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें अपनी इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, सो हाउ वी कैन डू दैट। ओके सो जो हमारा पैरेंट लेआउट है जो हमारा ऊपर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सो ये हमारा पैरेंट लेआउट है, ठीक है। तो इसके अंदर अब जैसे हमने यहाँ पे अपनी इमेज भी के अंदर बैकग्राउंड डाला है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, हम यहाँ पे बैकग्राउंड डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर बैकग्राउंड डालें और फॉर इंस्टेंस मुझे अपना पूरा बैकग्राउंड व्हाइट नहीं चाहिए, अपना पूरा बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल जस्ट अप्लाई दिस 0000। अच्छा ये 000 इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज द कलर कोड्स। तो हमारे पास एंड्रॉयड में जो है वो कलर कोड्स होते हैं, ठीक है, टू डिफाइन द कलर्स, सही है। तो वो आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको जो भी कलर चाहिए कलर कोड मतलब हेक्साडेसिमल कोड, मतलब अगर HTML CSS की भी है तो ये तो पता ही होगा, ठीक है। शाम कैन यू ज़ूम इन प्लीज? ओके श्योर, सही है। तो यहाँ पे मैंने जो है मेरा जो पेरेंट लेआउट है, पेरेंट लेआउट के अंदर मैंने जो है यहाँ पे अपना बैकग्राउंड दिया और इस बैकग्राउंड को मैंने कर दिया अपना पूरा ब्लैक, दिस इज द हेक्स कोड 6 decimal कोड फॉर कलर ब्लैक। ओके अब मैं अगर अपनी एक्टिविटी को वापस रन करूँ, एक्चुअली वो एमुलेटर साथ साथ ऑन है ना, इसलिए मुझे जूम आउट करना पड़ा बार बार। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू गाइस कैन सी ओवर हियर कि हमारा पूरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया, वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे इमेज आई हुई है, इस इमेज के पीछे ये बैकग्राउंड है। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज आवर बैकग्राउंड कलर, या हम यहाँ पर सिंपल जिस तरह हमने यहाँ पे अपनी बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ पे जिस तरह हमने अपनी इमेज ऐड किया है, इसी तरह सेम तरीके से हम ड्रॉएबल स्लैश इमेज से हम यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं, हम कोई भी और कलर डाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ आवर एक्टिविटी। सो आई होप दिस इज क्लियर। खैर सो लेट्स, तो मुझे जो यहाँ पे कलर देना था वो मुझे ये कलर देना था अपनी थीम का, बैकग्राउंड का। और हशाम, ये जो तुम कलर बैकग्राउंड दे रहे हो ये XML फाइल्स में दे रहे हो, राइट? किसी भी अगर चेंज करना होगा तो एग्जैक्टली हर पेज का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, सो यू कैन चेंज द बैकग्राउंड लाइक दिस एंड्रॉयड बैकग्राउंड। हर पेज के टॉप पे हमारे पास जो एक पेरेंट लेआउट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पेरेंट लेआउट है हर पेज में, सही है। तो यहाँ पे विड्थ है, हाइट है, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, सो यहाँ पे हम बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं हर पेज का अपना अलग अलग, एक्टिविटी 3 का भी, एक्टिविटी 2 का भी और एक्टिविटी मेन का भी। सो इस तरह हमने यहाँ पे अपने XML के अंदर एंड्रॉयड बैकग्राउंड दे दिया। तो फ्रंट एंड चेंजेस तो ऑब्वियसली XML से ही होंगी, सही।
अच्छा अब हमें क्या करना था. तो यहाँ पे हमने अपना यहाँ पे कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर. अच्छा अब हम जो है वो, अब व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट अनदर बटन ओवर हियर, ओवर हियर. ओके, और मैं इसके जो है वो पैरामीटर्स थोड़े डिफाइन कर दूंगा कि आई वांट दिस टू बी 120 डीबी एंड 120 डीबी. और दिस बटन के भी 120 डीबी. Assam, Zubair is asking कि अगर across the app color change करना है, background change करना है, तो individually हर screen पे करने के बजाय कोई ऐसा option है कि हर page पे वो apply हो जाए? Zubair, exactly, you have that option. हमारे पास जो theme का concept होता है, जो themes होती हैं basically लाइट थीम, डार्क थीम, सो उससे वो हम अपनी थीम सेटिंग से जो है वो हम अपना ऐप का कलर चेंज कर सकते हैं. आई कैन शो यू फ्रॉम हियर. मैं अभी थोड़ा करना ही चाह रहा था. सो दीज आर बेसिकली आर, वेट अ मिनट, स्टाइल्स, यस. सो ये हमारी बेसिकली अभी जो ऐप की थीम सेट हुई है, ये हमारी ऐप की थीम इस तरह से सेट हुई है, सही है. एंड सिमिलरली जब हम लोग थीम्स वगैरह कर रहे होंगे तो आई विल गो इनटू मच डिटेल कि हाउ वी कैन थ्रू आउट चेंज द कलर ऑफ आवर बैकग्राउंड. सो वो थीम्स वगैरह में सारी चीज़ें आती हैं. सो विल क्लियर दैट थिंग ओवर देयर. बट ये यहाँ से हम अपनी थीम सेट करते हैं इस जगह से, और ये हमने कलर्स कुछ डिफाइन किए हुए हैं. सो दिस इज थीम ऑफ आवर. तो हम यहाँ पे जो है चेंज कलर चेंज कर सकते हैं, और वो कलर्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं. जैसे अभी डिफॉल्ट जो है वो हमारा वाइट होता है, तो हम उसको डिफॉल्ट बैकग्राउंड कुछ और उसको दे सकते हैं, सही है. सो लेकिन अगेन वो सिर्फ इससे नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी आगे चीज़ें आ जाती हैं. तो हम थीम जब हम लोग थीम्स कर रहे होंगे, सो आई विल टेल यू इन मच डिटेल, सही है. तो थोड़ा लंबा काम है वो, बट वी कैन डू दैट, यस. I'm setting ये जो है वो, इधर मैं अपना एक बटन ले आता हूँ और इसको इसको कंट्रोल कर देते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ से इसको यहाँ से कर देते हैं. ये क्या होगा, एक मिनट वेट, लेट मी रीडिजाइन दिस. थोड़े इश्यूज आ रहे हैं इसके अंदर. अगेन यहाँ पे एक बटन हम लेके आते हैं, यहाँ पे एक बटन लेके आते हैं, और इसको हम कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं यहाँ पे. ऊपर से यहाँ पे हम दे देते हैं 100, और यहाँ से दे देते हैं हम लोग 40, और इसकी हम दे देते हैं ऊपर से 100. बेसिकली ये मार्जिन वगैरह सेटिंग के लिए होते हैं. यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं कि राइट से हमारा कितना मार्जिन है, लेफ्ट से कितना मार्जिन है, और कंस्ट्रेंट अपने पेरेंट्स से हम लोग किस तरह कर सकते हैं, सही है. तो ये हमने यहाँ पे दो बटन डिफाइन कर दिया, और फिर उसके बाद हम अपने कोड पे जाएंगे यहाँ पे, और सिमिलरली इसके पैरामीटर चेंज कर देते हैं 120 डीबी. देख ली 120 डीबी एंड वही ऑल्सो. ओके, सो अब जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है, तो वो है वेक्टर इमेज. सो वेक्टर इमेज क्या है बेसिकली? जो हमारे आइकन्स होते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, वो हम किस तरह जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो हमें जो है एंड्रॉयड जो है वो खुद एक वेक्टर जो है वो एसेट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, और इसके ज़रिए जो है हमारे पास बाय डिफॉल्ट बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिससे हम जो है वो अपनी
आइकन सेट कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू अगेन हाउ वी कैन यूज द आइकन्स. सो लिसन दिस केयरफुली. यहाँ पर मैं गया न्यू पर और यहाँ पर मैं गया अपने वेक्टर एसेट पर. तो जो मेरा यहाँ पे वेक्टर एसेट है, इस पर मैं जब क्लिक करूंगा न्यू पे, जब फाइल न्यू के बाद वेक्टर एसेट, और फिर इस वेक्टर एसेट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपको अगर कोई लोकल फाइल लेकर आनी है या आपको क्लिप आर्ट लेकर आना है. सो अब मैं अगर क्लिप आर्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे आइकन्स हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी ऐप में थ्रू आउट. ओके, सो थ्रू आउट मैं अपनी ऐप में यूज़ कर सकता हूँ. अब फॉर सपोज मुझे यूज़ करना है पर्सन, सो आई कैन सर्च ओवर हियर पर्सन, और मैंने यहाँ पे पर्सन सेलेक्ट किया. ओके, और यहाँ पे जो है मैंने उसका साइज डिफाइन कर दिया, यहीं पे 24 dp, उसका कलर मैंने दे दिया ब्लैक. ओके, सो ये हम लोग अपना आइकन हमने इस यहाँ पे क्रिएट किया. नेक्स्ट, और फिर वो मुझे बता देगा कि भाई आपका आइकन के नाम जो है वो बेसलाइन पर्सन जो भी आइकन के नाम है, और वो ड्रॉएबल के अंदर हमारे पास सेव होगा. हर चीज़ हमारे पास ड्रॉएबल में आती है, जैसे मैंने इमेज भी ड्रॉएबल में डाली थी क्योंकि हम ड्रॉएबल से ही इम्पोर्ट करते हैं सारी चीज़ें, और हम अपना आइकन भी ड्रॉएबल से इम्पोर्ट करेंगे. सही है, सो हमारे पास यहाँ पे आ गया आइकन बेसलाइन पर्सन. सही है, और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अगेन हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे बटन के अंदर. अब मुझे जैसे मैंने जो ये बटन बनाया है यहाँ पे वो थोड़ा बड़ा बटन बनाना है. सही है, सो अब इस बटन के अंदर मुझे अपना आइकन ऐड करना है. सही है, सो हाउ आई कैन ऐड द आइकन इनसाइड माय बटन. ओके, सो हाउ वी कैन डू दैट इज, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे ड्रॉएबल. ओके, सो ये चीज मैं रिपीट करूं कि हाउ वी कैन इंपोर्ट द आइकन, और इट इज फाइन. आई थिंक यू कैन मूव ऑन. ओके, थैंक यू. सही है, तो अभी आइकन हमारे पास ड्रॉएबल में आ गया. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हाँ कि मैं अपना आइकन कहाँ पे बटन पे प्लेस करूँ. सही है, सो यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शंस हैं. ड्रॉएबल टॉप, मुझे अपना आइकन टॉप पे चाहिए, या मुझे ओके रिपीटेड. ओके श्योर अब्दुल राफी, आई विल रिपीट. मैं यहाँ पे गया फाइल पर, फिर मैं गया न्यू पे, और फिर न्यू पे जाने के बाद मैं गया अपने वेक्टर एसेट पे. सही है, मैंने अपने वेक्टर एसेट पे क्लिक किया. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन है, लोकल फाइल्स का ऑप्शन है, फिर साइज, कलर, ओपेसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें. अब मैं यहाँ पे मेरे क्लिप आर्ट पे क्लिक है, मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करूँगा अपने, तो मुझे वो अपने सारे आइकन्स की लिस्ट शो कर देगा, और जो जो मुझे आइकन्स की ज़रूरत है वो सारे आइकन्स मेरे पास आ जाएंगे. इसके अंदर बहुत सारे आइकन्स हैं जो भी आपको अपने बटन के हिसाब से यूज़ करना है. ठीक है, और फिर इसके बाद जो है मैंने उस पर क्लिक किया. फॉर सपोज आई वॉन्ट दिस, इसका मेरे पास साइज डिफाइंड है, इसका मेरे पास कलर डिफाइंड है. आई कैन चेंज द कलर इफ आई वॉन्ट टू, आई कैन चेंज दिस टू दिस, और आई कैन चेंज माई आइकन साइज टू 40 by 40 dp. ओके, सो हेयर आई कैन कस्टमाइज माई आइकन. ओके, सो इट इज फाइन. Shyam, can we change the name of a vector? Yeah, sure, we can. Refactor, rename. So right click on this, refactor and rename. And you can change this to just person.xml, refactor. So ye person.xml ho gaya. Theek hai? Sahi hai. अच्छा, अब इसके बाद जो है अब हम इस आइकन को किस तरह इंक्लूड करेंगे अपने बटन के अंदर, वो हम इस तरह इंक्लूड करेंगे कि हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, वही तो मैं बता रहा था आपको. ड्रॉएबल टॉप, टॉप में क्या करेगा वो, टॉप में आपको जो बटन के टॉप मोस्ट एरिया है वहाँ पे वो हमें आइकन प्लेस कर देगा. बॉटम के अंदर, बॉटम पे ऑब्वियसली, और एंड, लेफ्ट, राइट, पैडिंग, स्टार्ट, ये बहुत सारे ऑप्शन हम अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बटन के टॉप पे जो है वो आइकन आए. सही है, तो मैंने ड्रॉएबल टॉप किया, और अगेन मैंने इधर किया ड्रॉएबल, और जो मुझे चीज़ इंपोर्ट करनी है, जो मुझे अपनी एग्जाम्पल फाइल इंपोर्ट करनी है, दिस इज माई पर्सन डॉट एग्जाम्पल फाइल. सो इसका नाम पर्सन है, तो मैंने ड्रॉएबल स्लैश पर्सन किया. अगेन अगर आप यहाँ पे ड्रॉएबल स्लैश इमेज करेंगे तो आपकी बटन के अंदर इमेज आ जाएगी. सो दिस इज जस्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन की हम आइकन को और इमेज को भी साथ साथ काम कर सकते हैं. सही है, तो मैंने यहाँ पे पर्सन किया, और मेरा जो आइकन है यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे आइकन बना हुआ आ गया, और मैं अगर अपने डिज़ाइन पे जाऊँ तो दिस इज माई आइकन विच इज बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल. ओके, सो हाउ आई कैन कस्टमाइज दैट. ओके, अगर
जैसे हम एक अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस टाइम पर जब हम आइकन क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें आइडिया नहीं होगा कि हमें किस साइज का आइकन चाहिए. सो हाउ आई कैन कस्टमाइज द आइकन, आई कैन क्लिक ऑन द पर्सन एग्जाम्पल. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हैं आइकन्स की. पाथ डेटा इससे हमें कुछ नहीं है, ये सारा वो डेटा जिस तरह हमारा आइकन बनता है. फिल कलर हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है. हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो है एंड्रॉयड विड्थ और एंड्रॉयड हाइट और एंड्रॉयड टेंट. ओके, सो बाय दिस I can change the height and width of my icon. Okay, so I want this to be 40 dp and I want this to be 40 dp. Okay, again question होगा कि viewport width और viewport height क्या है. Viewport width और viewport height basically एक चीज़ होती है कि जब हमारा icon जिस scale पे बन रहा होता है, सही है, तो वो उसकी width और height होती है, सही है. So इससे हमें मतलब हमें कुछ लेना देना नहीं है, सही है. हमें अगर कुछ चीज़ें change करनी है अपनी width height और तो हम अपने height और width को यहाँ से change कर सकते हैं और अपने tint को यहाँ पे हम basically what we can do is we can define our color जो मुझे color देना है. So मुझे अपना color देना है ये वाला. So here I'll come, I'll apply this, okay, and now मैं यहाँ पे जाऊँ अगर और मैं अगर अपना डिज़ाइन देखूँ, so here I can see कि भाई मेरा जो है वो आइकन है, this is वो बड़ा हो गया और इसका बटन भी है और वो टॉप पर है, सही है. सो अब इसको जो है ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक कि हाउ वी कैन कस्टमाइज अवर आइकन और हाउ वी कैन पुट द आइकन इन अवर बटन. ओके, थैंक यू जुबैर. अच्छा, सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज मुझे जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आइकन बहुत ऊपर है, बटन नीचे है, मतलब चीज़ें सही नहीं लग रही देखने से. सो हाउ आई कैन फिक्स दैट, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पैडिंग का. जिन्होंने CSS की हुई है उनको पैडिंग का आइडिया होगा, उनको पैडिंग और मार्जिन का भी फर्क पता होगा, सही है. तो मार्जिन जो होते हैं वो हमारा एक एलिमेंट से हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है वहाँ तक होते हैं, सही है. सो फॉर सपोज अगर मैं मार्जिन दे रहा हूँ तो वो मार्जिन जो है वो मेरा इस बटन से लेके इस पेरेंट एलिमेंट तक का मार्जिन, तो वो मार्जिन में आएगा. लेकिन अगर अब मैं पैडिंग दे रहा हूँ, अब अगर मैं इसके अंदर मैं पैडिंग अप्लाई करूँ तो वो पैडिंग जो होती है वो इनर एलिमेंट के लिए होती है. मतलब हमारा बटन एक हमारा ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उस एक बटन ग्रुप के अंदर आई विल अप्लाई पैडिंग, उधर मार्जिन वर्क नहीं करेंगे, सही है. सो फॉर इनर एलिमेंट यूज पैडिंग, फॉर आउटर एलिमेंट यूज मार्जिन. ओके, सो अब मैं यहाँ पे अपने मार्जिन थोड़े अप्लाई करता हूँ कि भाई मुझे जो है वो मार्जिन मतलब पैडिंग अप्लाई करता हूँ कि मुझे टॉप से पैडिंग जो है वो 20 dp चाहिए, पिक्सल चाहिए, और बॉटम से भी, तो वो मेरे कंप्रेस हो जाएंगे. लेट्स अप्लाई दैट. ओके, सो ये मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट था. अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैंने किया, अब मुझे पैडिंग चाहिए टॉप से 20 dp एंड मुझे पैडिंग बॉटम से भी चाहिए 20 dp. लेट्स सी हाउ इट लुक्स. हाँ, सो नाउ इट लुक्स बेटर, सही है. तो ये अच्छा लग रहा है आपके, ये थोड़ा बीच में आ गया, बटन भी बीच में आ गया और ये भी बीच में आ गया. सो थोड़ा लेवल सही लग रहा है इसका. तो दिस इज़ हाउ वी कैन, क्योंकि मैंने अपनी पैडिंग जो है, क्योंकि मैंने अपनी पैडिंग अप्लाई कर दी तो मुझे इसने टॉप से भी 20 का फर्क दे दिया और इसने मुझे बॉटम से भी 20 का फर्क दे दिया. सो नाउ वो आपके बटन के साइज पे डिपेंड करता है कि आपका बटन का साइज क्या है, किस तरह आपको डिफाइन करना है, वो सारी चीज़ें वो आप कर सकते हैं. मैंने 20 किया क्योंकि मेरा साइज बड़ा था, मेरी हाइट ही 120 dp है, सही. सो दिस इज हाउ आई कैन डू दिस. अच्छा, अगेन we are done with this, so let's create another. Okay, so let's create another. Time थोड़ा short है तो एक vector asset बना लेते हैं और दूसरा vector asset मुझे बनाना है speaker notes. For instance ये बना लेता हूँ मैं, इधर मैं अपना इधर ही customize कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे किस तरह का चाहिए अपना setup. और मैंने यहाँ पर अपना okay, सो मैंने इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया. ठीक है, और ये कॉपी स्पीकर नोट्स में मैं गया और मुझे इसका कलर चेंज करना है. इसका कलर टेंट में जाके चेंज कर दूंगा मैं इधर, और ये मेरा कलर चेंज हो गया यहाँ पे. और फिर इसके बाद जो है आई थिंक इट्स फाइन. यहाँ पे मैं ये दो अपना इधर भी ड्रॉएबल टॉप लगा दूंगा, ड्रॉएबल टॉप ड्रॉएबल एट बेस लाइन स्पीकर नोट्स. और यहाँ पे जो है वो मेरा आ जाएगा पैडिंग
top, which is my 20 dp, and padding bottom, which is my 20 dp. Okay, so ये हमारा जो है वो इसके padding padding ये सारा scene हमने कर लिया है इसके अंदर, सही. ये हमारा डिजाइन जो है वो कुछ इस तरह का था. अच्छा, लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस बिफोर एंडिंग द क्लास इज कि हाउ वी कैन चेंज द कलर ऑफ आवर. ओके, अच्छा, एक्टिविटी मेन में गए, कोड पे गए, बटन सेक्शन बटन 5, सही है. यहाँ पे जो है वो कुछ आईडी शायद चेंज हो गई क्योंकि मैंने वापस से बटन बनाया था तो डिलीट करके, तो आईडी चेंज हो गई. सो लेट्स गिव दिस अ बटन 5 आईडी, ठीक है, तो वो अब यहाँ पे सही हो गया. अच्छा, अब लास्ट थिंग जो है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हाउ आई कैन चेंज द कलर ऑफ माई एक्शन बार, जो कि हमारा टॉप में बार आता है, वो मैं किस तरह चेंज कर सकता हूँ, आई विल शो यू गाइस क्विकली वेरी. और कि मैं हर एक्टिविटी का स्पेसिफिक नेम कैसे सेट कर सकता हूँ, ये दो चीज़ें इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स, तो आप लोग साथ रहिएगा. अच्छा, सो ये हमारा जो है कुछ हमारा बटन इस टाइप का शो हो रहा है. हमारे पास दो बटन हैं, ये हमारे पास ये है. अब व्हाट आई वांट टू, ओके, सो खैर नेट मेरे चल रहा है, कोई इशू नहीं है. अच्छा, सो व्हाट आई कैन डू इज, ये जो एक्शन बार है मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसको ग्रीन करना है, और मुझे ये जो टॉप बार है मुझे इसको भी चेंज करना है. सो अगेन जुबैर, जो मैंने पहले बात बोली थी कि हाउ आई कैन चेंज दिस एक्शन बार वगैरह, स्टाइल्स में मैं गया. अच्छा, सो दिस फर्स्ट पार्ट जो हमारा फर्स्ट आइटम है, ये स्टाइल ही हमारी बेसिकली बेस एप्लीकेशन थीम है. सो बाय डिफॉल्ट जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो में एक थीम बना के देता है. इसके अंदर पास तीन आइटम्स होते हैं, आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3. सो तो बेसिकली इसके अंदर जो आइटम 1 एंड आइटम 2 होते हैं, दिस आइटम इज फॉर फर्स्ट एंड दिस आइटम इज फॉर सेकेंड. और यहाँ पे हमने कलर डिफाइन किए हुए हैं, सही है. तो इसका कलर ये है और इसका कलर थोड़ा पर्पलिश है, जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है कलर प्राइमरी डार्क से. तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम बार बार कलर कोड्स नहीं देते, हम जब थीम करते हैं तो हम उनको ये एक स्टैंडर्ड नेम्स दे देते हैं, जो कि एंड्रॉइड में है, कलर प्राइमरी एंड कलर प्राइमरी डार्क, सही है. और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें जो है हम अपना कलर इनकोड कर देते हैं, और हर जगह फिर हम लोग कलर प्राइमरी डार्क यूज करते हैं इंस्टेंट ऑफ यूजिंग द कोड्स. ओके, सो अब यहाँ पे जो है मेरे पास जो सबसे टॉप वाला बार है उसका कलर है कलर प्राइमरी, और जो ये वाला कलर है उसका कलर है प्राइमरी डार्क. सो हाउ आई कैन चेंज दैट, वो मेरे पास कलर में डिफाइन हुआ है. तो यहाँ पे मेरे पास एक कलर्स है, इसके अंदर रिसोर्सेज में इसने डिफाइन किया हुआ भाई कि जो आपका प्राइमरी है उसका कलर ये है, और जो आपका प्राइमरी डार्क है उसका कलर ये है. सो नाउ आई वॉन्ट टू चेंज दिस बोथ, मैं इन दोनों को चेंज कर दूंगा यहाँ पे. तो अब मेरा कलर प्राइमरी डार्क भी यही है और कलर, और अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूँ तो ये सही है, मतलब समझ आ रहा है ये सब कुछ जो मैंने अभी लास्ट में किया है. बिल्कुल, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं थोड़ा, मेरी स्पीड तेज हो रही है क्योंकि टाइम कम है, आई एम सॉरी फॉर दैट. अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये मेरा ऊपर वाला कलर, ऊपर वाला बार भी मैंने चेंज कर दिया, कलर प्राइमरी और कलर प्राइमरी डार्क, सही है. तो ये मेरी पूरी थीम आप देख सकते हैं, मेरी इमेज और मेरे आइकन, ये सारी चीजें बिल्कुल एक लेवल पे मुझे जो है वो आके शो होना शुरू हो गई, सही है. सो दिस इज हाउ आई कैन कस्टमाइज माई थीम अकॉर्डिंग टू माई कलर स्कीम, सही है. सो ये एक कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग जो मुझे चीज करनी है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है DSC सेशन 3, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सही है. और अगर मैं किसी और एक्टिविटी पे जाऊँ तो उधर कोई और नाम लिखा होगा, सही है, उधर भी DSC सेशन 3 लिखा होगा. तो अब मुझे इसको चेंज करना है, आई डोंट वॉन्ट दिस, सही है. तो अब मैं इसको कैसे करता हूँ, तो मैं हर एक्टिविटी के अंदर हाउ आई कैन डू दिस, आई कैन सेट टाइटल एंड सिंपली आई कैन गिव दिस होम पेज. ओके, सो होम पेज, और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब ये सेट टाइटल जो है ये करंट एक्टिविटी का सेट टाइटल सेट हो गया, सही है. तो अब यहाँ पर मैं अगर देखूँ यहाँ पे ये चेंजेस अप्लाई होने के बाद, तो ये सेट टाइटल जो है ये होम पेज में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज हाउ आई कैन सेट माई टाइटल ऑफ ईच पेज इन माई एक्शन बार, सही है. तो सिंपल सेट टाइटल और उसके अंदर जो है वो हमारा नाम होम पेज. तो इस तरह जो है हम अपना टाइटल सेट कर सकते हैं. सो आई होप सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा अब तक जो भी हमने किया है. हशाम, टू पीपल हैड अ क्वेश्चन.
मुझे लग रहे थे कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं फॉर टुडे सेशन, बट ऑब्वियसली तुम्हारा सेशन है, सो लेट मी नो. सही है. वन पर्सन आस्क्ड, हाउ कैन यू पास डेटा ऑफ वन एक्टिविटी टू अनदर लाइक टेक्स्ट डेटा, ओके 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 एंड द सेकंड क्वेश्चन इज के हाउ कैन वी राउंड आवर इमेजेस और बटन्स. ओके, दोनों क्वेश्चन वैलिड है. जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हम लोग किस तरह एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास कर सकते हैं, वो जो है वो होता है हमारे पास इंटेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रास, पुट एक्स्ट्रास और गेट एक्स्ट्रास. सही है. तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि पुट एक्स्ट्रा से हम लोग अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और गेट एक्स्ट्रा से हम लोग डेटा ले सकते हैं. वो आज की क्लास में ना कराने का मकसद ये था कि जो हम लोग अपना फायरबेस वाला सेशन करेंगे, ठीक है, सो उसमें वी विल डिस्कस दोस पुट एक्स्ट्रास एंड गेट एक्स्ट्रास, क्योंकि जब हम अपनी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जब हम डेटा बेस से डेटा पुल करके जब हम लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा. मैंने आज की क्लास में मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा करानी थी, इसलिए मैंने वो चीज़ डिस्कस नहीं की. अगेन, इफ़ यू वॉन्ट तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, हम लोग उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको करना है, वरना हम फायरबेस में करेंगे उस चीज को. सही है, तो इस तरह कर सकते हैं. और सेकंड, राउंड बटन. हाँ, राउंड बटन भी हम लोग कर सकते हैं. उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है. उसका प्रोसेस ये होता है कि हम लोग एक नई एग्जाम्पल फाइल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक नई एग्जाम्पल फाइल बनती है. उसके अंदर हमारे पास तीन चार एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्ट्रोक के, शेप के, साइज के, और फिर उसमें कलर्स वगैरह हम लोग सेट करते हैं. और फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना, उसका भी मैं जो है एक छोटी सी क्लिप मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा कि हाउ वी कैन, क्योंकि एक्चुअली छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें हम सारी चीज़ें कवर नहीं करा सकते ड्यू टू द लिमिटेड टाइम. तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. सही है, तो ये राउंड बटन वाली चीज़, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है. इस तकरीबन 5 से 6 मिनट की मैं वीडियो एक बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा. एंड अगेन, जिस बंदे ने जो है वो इंटेंट वाला सवाल किया था, अगर उसको भी पूछना हो सो ही कैन प्राइवेट मैसेज मी एंड आई विल हेल्प हिम आउट. ओके गाइस, एक और चीज, कैन यू गाइस जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप ताकि मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दूं, क्योंकि आई वोंट बी पोस्टिंग इट ऑन द ग्रुप. ओके हशाम, एनीथिंग लेफ्ट? नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया है. वैसे अगर अगर इन लोगों के पास 2 से 3 मिनट है तो मैं ऐप का आइकन कैसे सेट करते हैं वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें से 2 से 3 मिनट लगेंगे. वो भी एक उसका वो था, अगर इन लोगों के पास टाइम है सो आई कैन डू दैट टू मेक अ सेट. हां, कंटिन्यू कंटिन्यू. ओके ओके श्योर. ओके, सो हम अपने ऐप का जो आइकन है वो हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, आई विल टेल यू गाइज नाउ. अब हमने एक दिखती है वेक्टर एसेट, अब हमारे पास एक दूसरी चीज़ है इमेज एसेट. वही फाइल पे जाके, न्यू पे जाके हमारे पास वेक्टर एसेट है और एक हमारे पास इमेज एसेट. तो इमेज एसेट बेसिकली क्या करता है, दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन, यहाँ पे हमारे पास ये आ गई है, ठीक है, कि सिंपल हमने इमेज एसेट पे क्लिक किया. अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऐप, डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से हमारे पास आ गई है कि अगर किसी ने अपनी ऐप मोबाइल की सेटिंग सर्कल की हुई है तो उसको सर्कुलर शो होगा, राउंडेड स्क्वायर होंगे, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के उसके अंदर हमारे पास जो है वो आइकन्स इस तरह शो होते हैं. हाउ वी कैन ऐड दिस? अच्छा, अब इमेजेस जो है, अब मैं जो है यहाँ पर मैं गया ब्राउज पे, ठीक है, और मैं गया अपने डेस्कटॉप पे. सिंपल मैं जहाँ पर मैंने अपना चीज़ सेव की हुई है वहाँ से मैं जाके बस उसको पिक कर रहा हूँ. तो ये मेरा आइकन है डेस्कटॉप पे, मैंने डेस्कटॉप से आइकन ओके किया, ये मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन आ गया और ये मेरे पास सारे आइकन मेरे पास सामने शुरू में शुरू हो गए कि भाई ये सर्कल सर्कुलर में इस तरह दिखेगा, स्क्वायर में इस तरह दिखेगा, लेगेसी आइकन में इस तरह दिखेगा और गूगल प्ले स्टोर की ऐप में इस तरह दिखेगा. एंड हाउ आई कैन कस्टमाइज दैट, सिंपली आई कैन जस्ट डिक्रीज द साइज ऑफ द आइकन और ये छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा और इस तरह. हाँ, इस तरह आई कैन प्ले विद माई आइकन्स और इसको मैं जब ओके सेट करूंगा, नेक्स्ट सेट कर दूंगा तो वो जो है वो हमारा आइकन जो है वो सेट हो जाएगा. और चलो इसको इसको करके देख लेते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं ग्रॉबल के अंदर, लॉन्चर, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें. तो जो हमारा एक करंट आइकन होता है, सही है, वो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि वॉट इज़ दिस एक्सेस एच डी डी पी आई, एक्सेस एच डी पी आई, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं हाई डेंसिटी पिक्सल्स. तो आपकी रेजोल्यूशन के हिसाब से अगर आपके पास एक्स्ट्रा 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 हाई डेंसिटी पिक्सल्स हैं, सही है, तो उसके लिए आइकन किस तरह क्रिएट हुआ है. फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी पिक्सल्स हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है, हमें कुछ करना नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. ओके, एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी पिक्सल्स और फिर उसके बाद जो है हमारे पास हाई डेंसिटी पिक्सल्स और मीडियम डेंसिटी पिक्सल्स. तो ये सारी फाइल्स हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है. और यहाँ पे मैं उसको जो है
let me move this up और मैं इसको यहाँ पे finish करता हूँ और मेरा जो है वो icon set हो गया है, ठीक है, ऐसे ही होता है, हो जाना चाहिए, सही है, खैर time कम है तो I won't restart the emulator, उसमें बहुत time लगता है, सही है, so thank you so much guys for today, I'll post the homework by midnight today and I hope आप लोगों को अच्छा लगा session, थोड़ा speed तेज हो तो I'm sorry क्योंकि चीजें बहुत सारी थी. Thank you, Hasham, and see you guys day after tomorrow with another session. Jahan pe hamare guest speaker aa rahe hain to do attend. Thank you.